बदीना धाम में लगातार बीते कुछ दिनों से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं आज यहां अलकनंदा का जलस्तर अपने खतरे के निशान के ऊपर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तप्त कुंड के समीप जहां नारद कुंड पूरी तरह से अलकनंदा के पानी में समा गया, तो वराह शिला में भी अलकनंदा का पानी ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया है। आज इस वीडियो में अलकनंदा के बढ़ते जलस्तर और इससे हो रहे खतरों पर हम बातचीत करेंगे, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूँ आपके साथ श्री तिवारी। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा का जलस्तर पूरी तरह से बढ़ चुका है। जलस्तर अब अपने खतरे के निशान से ऊपर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज यहां तप्त कुंड के समीप जहां नारद कुंड पूरी तरह से अलकनंदा के पानी में समा गया, तो वहीं वराह शिला में भी अलकनंदा का पानी ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया है। इसके बाद नदी किनारे बद्रीनाथ पुलिस अनाउंस करके यात्रियों और अन्य लोगों को नदी किनारे न जाने के लिए सतर्क कर रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नारद कुंड का गेट अब सिर्फ ऊपरी हिस्से तक दिखाई दे रहा है। पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि यहां लगा हुआ सूचना बोर्ड भी पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर जलस्तर इस तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में यह पानी तप्त कुंड और ब्रह्म कपाल में भी आ सकता है, क्योंकि लगातार ब्रह्म कपाल में भी पानी का बढ़ता जलस्तर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार अलकनंदा का बद्रीनाथ धाम में बढ़ता जलस्तर आने वाले समय के लिए चेतावनी भी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट के कार्य हो रहे हैं और ऐसे में नदी के एक साइड तो दीवार का काम हो चुका है, लेकिन मंदिर की साइड को अभी तक रिवर फ्रंट का कार्य नहीं हुआ है। वहीं इस बार यहां लगातार अलकनंदा का जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है और मंदिर के साइड को पानी का बहाव बढ़ रहा है। इससे अब तीर्थ पुरोहित भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि प्री मानसून के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पानी का भराव देखने को मिल रहा है और ये तो केवल अभी मानसून सीजन की शुरुआत है। अगर लगातार ऐसी बारिश होती रही तो चारधाम के रास्तों पर पानी के भराव के कारण कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं जोशीमठ मारवाड़ी से विष्णुप्रयाग खतरे में है। बता दें कि पिछले साल मानसून के समय सड़क का यहाँ आधा हिस्सा ढह गया था और सड़क पूरी तरह से पतली हो गई थी। वहां अभी भी यहां पर सड़क सही नहीं हुई है और आज भी आवाजाही एक एक करके करवाई जा रही है। तो वहीं मानसून की बारिश होने के साथ ही यहां पर खतरा और बढ़ सकता है और ऐसे में यहां पर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। समय रहते रास्ता नहीं बनाया गया तो अब पैच और अब मानसून दस्तक दे चुका है, तब भी यहां पर कार्य पूरा नहीं किया जा रहा। यदि चमोली से हमारे सहयोगी कमल नैन की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।